यहाँ पर राजमा मैंने रात भर भिगो करके रखा था, और यहाँ उड़द और चने की दाल, तो आधा कटोरी उड़द और आधा कटोरी चने की दाल है और आधा कटोरी राजमा है। ये सबको मैंने रात में भिगो करके रख लिया था, और इसे अभी तेल में धो करके अच्छे से सबको डाल दूँगी इसमें, और आज ये बहुत ही अच्छे माँ की दाल मैं बना रही हूँ। तो और इसमें जितना हम डाले हैं उतना से डबल हम पानी इसमें डाल देते हैं, और अब इसको हम चढ़ाते हैं गैस पे, और फिर और सारे सामान इसमें डालते हैं। अब इसमें दालचीनी का टुकड़ा, तेजपत्ता, हल्दी, ये बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी बनती है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लाल मिर्ची और नमक। बारीक कटा हुआ प्याज और इसमें हरी मिर्ची सब डाल करके, और अब इसे हम बंद कर देंगे और 3-4 सीटी, क्योंकि सब रात भर ये मैंने दाल को भिगो करके रखा था, तो ये 2 से 3 सीटी में अच्छे से पक जाएगी। तो चलिए इसे सीटी लगा देते हैं और इसे पकने देते हैं। तब तक इधर हम लोग नान की कुलचे की तैयारी कर लेते हैं, और सुबह का टाइम है तो फटाफट करना है। इसमें मैंने 2 कटोरी मैदा और 2 कटोरी आटा, ये दोनों को बराबर बराबर ले ली हूँ, और पहले दोनों को इस तरह से छान लेती हूँ। अब छानने के बाद बीच में इस तरह से गड्ढा कर देंगे, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध और पिंच भर ये मीठा सोडा, और थोड़ी सी मीठी सोडा अगर आपके पास, और थोड़े सा नमक और थोड़ी सी चीनी, 5 मिनट 2 मिनट इसे छोड़ देंगे इस तरह से, और उसके बाद सबको मिक्स करके इसका हम अच्छा सा एक डो बना लेते हैं। तो तब तक ये हमारा एक्टिव भी हो जाएगा, हाथ से इस तरह से कर लेंगे, और उसके बाद धीरे 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 इसमें हम मिला करके और इसका एक अच्छा सा डो बना करके हम 10 मिनट के लिए डो को हम छोड़ देंगे। और सुबह का टाइम है, जल्दी जल्दी करना है, तो मैं इधर दाल भी चढ़ा हुआ है और इधर मैं इसे डो बना करके और थोड़ा सा पानी डाल के करेंगे, गीला बहुत कड़ा भी नहीं है, और एकदम रोटी के जैसे जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं उसी के हिसाब से डो लगा लेंगे इस तरह से। और देखिए सुबह सुबह मैं चाय भी पीती जा रही हूँ और काम भी करते जा रही हूँ, तो इस तरह से इसे हम अच्छे से मिक्स करके और 2-3 बार से अच्छे से पटकेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब चलिए इसे साइड में ढक करके इसे रेस्ट करने के लिए रखिए, छोड़ देते हैं। दाल का ढक्कन हटाएंगे 4-5 सीटी लगे, और अब दाल ये ऐसी है तो अभी भी खड़ी खड़ी है दाल, तो इसे क्या करेंगे, गलघोटनी तो है नहीं, तो इसी से मैसल पहले इसे अच्छे से मैश करके और फिर से हम इसमें गैस ऑन करके और इसको चढ़ाएंगे। तो इसको चलिए पहले मैश कर लेते हैं बढ़िया से ताकि ये पूरे अच्छे से मिक्स हो जाए। अब देखिए अच्छे से ये मैसल से मैश कर दी हूँ, और अब इसमें अब इसको अलग कर देती हूँ, इसमें थोड़ी सी
अब इसे ढक देती हूँ और अब इसे तड़का में लगाती हूँ। इसमें तड़का लगाएंगे तो इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे और सूखी लाल मिर्च। थोड़ी सी धनिया थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी काली वाली राई और बंद करेंगे और उसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और सब डाल के इस तरह से तड़का लगा देंगे। और इसके बाद इसमें हम फ्रेश क्रीम, अब बटर है तो बटर, नहीं तो आप फ्रेश क्रीम, ये फ्रेश क्रीम निकाला हुआ, ये मैं इस पर डाल के और इसे बंद करके छोड़ दिया। तब तक इसे बंद कर देते हैं और बनाते हैं कुलचे।